दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। वो किससे है? जनसंख्या यानी पॉपुलेशन से, जो कि परसेंटेज में आप लोगों से पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन आज मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सारे SSC GD 2022 में एकदम बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो चलिए अब हम एक ही क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पहला कह रहा है फ्रेंड्स कि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 64,000 है, जिसमें प्रतिवर्ष इनकी वर्तमान जनसंख्या के 1/8 भाग के बराबर वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं। इस तरीके से करेंगे तो आपको कभी दिक्कत होने वाले नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, इधर आप पहले लिख लिया करिए, इसी को वर्तमान भी कह सकते हैं, और इधर बाद की जनसंख्या लिखिए। तो 1/8 में वृद्धि होती है, तो 1/8 का मतलब जो पहले फ्रेंड्स 8 है, यानी 1 की वृद्धि हो रही, यानी पहले जनसंख्या 8 थी, 1 की वृद्धि हो गई, बाद में कितना हो गई? 9। यही तो कह रहा है, 1/8 में भाग की वृद्धि हो रही है। तो ये 2 वर्ष का मामला, जितने साल तक रहे फ्रेंड्स उतनी बार लिख लिया करिए, इस बात का ध्यान देना। तो यहां पे कितना हो जाएगा? पहले जनसंख्या 64 थी, अब कितना हो गई? 81। मेरा 64 आया, लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में कितना दिया है? 64,000। कितना दिया है? 64,000। तो फ्रेंड्स कितने टाइम है? 1000 टाइम है, यानी 1000 गुना है। तो इसका भी फ्रेंड्स 1000 गुना ये भी हो जाएगा, तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 81,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 95,000 है, जनसंख्या में पहले वर्ष में 15% की वृद्धि कह रहा, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि और तीसरे वर्ष में 12% की कमी होती है, तो कह रहा 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स हमने क्या कहा कि 15% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 15% का मतलब फ्रेंड्स ऐसा सोचा करिए कि अगर मैं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो जाएगी, तो 15% का 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3/20। अगर मैं 20% की बात करूं तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/5। और 12% की बात करूं तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 3/25। यानी 12/100 कर देंगे तो 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12, 25 × 100। तो हमने क्या कहा फ्रेंड्स? इधर आप पहले की जनसंख्या लिखिए, इधर की क्या लिखिए? इधर पहले की जनसंख्या लिखिए और इधर किसकी जनसंख्या लिखिए? बाद की। तो इसका मतलब फ्रेंड्स एक बात ध्यान समझना, पहले जनसंख्या 20 थी, यही है 15% की वृद्धि हो रही है। तो जो नीचे रहता है यानी पहले 20 थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 20 का ही 15% 3 होता है, 3 बढ़ गए तो बाद में जनसंख्या फ्रेंड्स कितनी हो गई? 23। अब 20% की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स पहले जनसंख्या 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई है, तो कितना हो गया है? 6। और 12% का मतलब 3/25 इस बार कमी हो रही, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब पहले जनसंख्या 25 थी, 3 की कमी हो गई, तो कितना हो गया फ्रेंड्स? 22। यही हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको 2 से काटूं तो फ्रेंड्स यहां कितना हो जाएगा? 10। इसको 2 से काट देते हैं तो 11, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए जो बच्चे थोड़ा सा एडवांस रहेंगे वो देखिए आंसर वही सही होगा जो 23 × 3 × 11 का मल्टीपल होगा, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब ऐसा भी आप चेक कर सकते हैं, पेपर में पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। तो यानी ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड्स जो 11 का मल्टीपल हो। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे एडवांस सोचेंगे, लेकिन देखिए आपको मैं पूरा बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। 25 × 25 की वैल्यू कितना दिया गया है? 95,000। इस बात का ध्यान देना, कितना दिया है? 95,000। तो सबसे पहले कुछ बच्चे यहाँ निकालेंगे, 25 कितनी बार जाएगा? 25 × 3 = 75, 25 × 3 कितना हो जाएगा? 75। तो 95 से फ्रेंड्स 75 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 0, 9 में से 7 गया 2, 0, 25 × 8 = 200 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से? 3800। फिर 25 से काटेंगे तो फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा? 25 × 25 यानी कितना हो जाएगा यहाँ से? देखिए 38 से 25 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 8 में से 5 गया, यानी यहाँ पे 3 1
यही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक जीरो उतारेंगे तो 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 152। तो इसका मतलब ये 152 गुना था, तो इनटू 152 यहाँ भी करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। अब इसको पूरा गुणा करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेटिव हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। मैंने जैसे पहले बताया था फ्रैक्शन बदलने के बाद, पहले देखिए यहाँ जैसे 3 आया तो ऑप्शन वही सही होगा जो 3 से कटे, तो अगर मैं 3 से काटूँ तो देखिए 6 कैंसिल हो रहा है, 3 भी कैंसिल हो रहा है, 5 1 6 8 1 9, पहला ऑप्शन 3 से कट रहा है, ये हो सकता है, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन कट रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, हो सकता है। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरे वाले में देखिए 6 कट रहा है, 5 1 6 कट रहा है, 6 कट रहा है, 8 1 9, ये भी 3 से, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इस वाले में देखिए 6 3 6, उसके बाद देखिए 8 1 9, ये नहीं कट रहा, तो सी ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। अब यहाँ देखिए 6 कट रहा है 3 से, 5 1 6 कट रहा है, 5 1 6 8 नहीं कट रहा, तो इसका मतलब दो ऑप्शन इलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन में मामला फंस गया, यही है। अब 11 से चेक करिए, ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एक एक संख्या को छोड़कर गिनना है। देखिए 1 और 5 जोड़ देंगे 6 6 6, कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर देखिए 1 1 छोड़ के 3 1 4 8 4 12, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 हो, संख्या 11 कट जाएगी, यानी पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, देखिए 1 में 6 जोड़ेंगे 7 7 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। यहाँ पे देखिए 1 5 6 8 6 14, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आपको जबरदस्त तरीके से केवल डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, बाकी अगर आप इसको गुणा करेंगे तो बहुत कैलकुलेटिव होगा, इस बात का ध्यान देना, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है किसी गाँव की जनसंख्या कितनी है, 68,000 है, इसमें पहले वर्ष में 5% की दर से वृद्धि होती है, अगले 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से कमी होती है, कह रहा 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है, ये भी एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इधर पहले लिखा करिए, इधर बाद, अगर बाद का दिया रहे पहले का पूछा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद से कंपैरिजन कर देंगे। अब देखिए पहले 5% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो इसका मतलब पहले जनसंख्या 20 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 21। फिर कह रहा है 2 वर्ष में 10% की दर से कमी हो रही है, तो देखिए 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी पहले जनसंख्या 10 थी, 1 कम हो गया, कितना हो गया 9, फिर 10 थी कितना हो गया 9, यही हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 के आगे 3 0 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 2000, एक यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ऑप्शन वही सही होगा, यहाँ पे जैसे 9 आ गया तो ऑप्शन वही सही होगा जो 9 का मल्टीपल हो, तो आप कर सकते हैं। देखिए 8 6 14 14 में 3 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 17 17 2 19, पहला ऑप्शन 9 से नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। देखिए 5 6 5 11 11 8 20 4 24 9 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगा। 6 2 8 8 16 16 2 18 18 3 21, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 7 5 12 8 20 3 23 4 27 27 9 से कटता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन दिया था वही मैंने सेलेक्ट किया, ये मैं सोचना कि मैं अपने मन से कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको लगाना है, डिजिटल सम लगाना है, यूनिट डिजिट लगाना है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे देखिए 2000 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 68,000, मैं पूरा हल कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए 3 0 से 3 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 34, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको कितना हो जाएगा 21 × 9 × 9 × 34। अब ये जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट फ्रेंड्स अलग अलग था तो यूनिट डिजिट मिला सकते थे। देखिए 9 9 81 81 में 81 का 8 91 8, वो 8 चौके कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 9 81 1 1 × 1 करेंगे 1 आएगा, 1 चौके 4, यानी यूनिट डिजिट इसका 4 आएगा, एक ही ऑप्शन था फ्रेंड्स, ये भी आप सेंस लगा सकते थे, बड़ी आसानी से आएगा देखते ही, क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। बाकी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को इतना ही रखते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।